हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी तो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, उसके रिजल्ट्स आए हैं, क्या अब दिसंबर का यूजीसी नेट जो है 2024 वाला वो होगा एग्जाम, है ना? क्या उसमें भाई साहब हम 2 महीने बाद पढ़ाई शुरू कर दें, 2 महीने बाद अगर एग्जाम होगा तो? ये सारे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि अभी तो रिजल्ट नहीं हो पाया बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो गया, है ना? तो उसमें से सवाल ये निकल के आ रहे हैं कि क्या हम फेलोशिप पे ध्यान दें या फिर अपनी पढ़ाई शुरू करके जीआरएफ के लिए फिर से एग्जाम दें। जिनका यूजीसी नेट नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि क्या हम 2 महीने में पढ़ाई करें या फिर थोड़ा दिन रुक जाए, मस्ती करें, फिर पढ़ाई शुरू करें, या जिसका सिर्फ पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ वो क्या करे, कुछ दिन रुक के पढ़ाई करे या फिर पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो ये सारे सवाल आपके मन में जरूर चल रहे होंगे, है ना, कि दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। इन सारे सवालों को थोड़ा कोरिलेट करके चलते हैं पीछे के एग्जाम से कि कितने दिनों में एनटीए सक्षम है एग्जाम को लेके कंडक्ट करवाने का। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बात कर रहा हूं फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने तक की, ठीक है जी। देखिए शुरू कहां से होती है, बात शुरू होती है दिसंबर 2023 से। दिसंबर 2023 का रिजल्ट आता है, ठीक है। दिसंबर 2023 का रिजल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट 27 मार्च को एक नोटिस यूजीसी जारी करती है। नोटिस मैं आपको भी दिखाऊंगा। नोटिस जारी ये करती है कि अब जो कैटेगरी होगी वो 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट का जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। क्या कैटेगरी होगी? पहला कैटेगरी होगा भाई साहब जेआरएफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद पीएचडी, दूसरा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, और तीसरी एक नई कैटेगरी ऐड करी गई ओनली पीएचडी, ठीक है। अब ये ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी, इसके साथ भी बहुत सारी परेशानी है जी, बिल्कुल है। तो ये तीनों कैटेगरी के बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद यानी कि 20 अप्रैल को सर आपका एक नोटिस आया जिसमें ये कहा गया कि आपका एग्जाम 16 जून को होगा। कब होगा? 16 जून को होगा। और एक नोटिस में यह भी कहा गया कि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। अब वो नोटिस के बाद कुछ दिन बाद फिर से एक नोटिस आया जिसमें यह बताया गया कि भैया 16 जून को नहीं पाएगा, किसी वजह से 18 जून को एग्जाम होगा, और उसकी शिफ्ट की सारी डिटेल आपके पास आ गई है ना। तो आप ये गौर करो कि जो सॉरी जो जून का एग्जाम होना था कब होना था सर, 16 जून, और उसका ये कब आया, अप्रैल, 20 अप्रैल को, यानी अप्रैल से मई और मई से जून, इवन 2 महीने से कम में भी एनटीए ने जून वाला एग्जाम कंडक्ट कर दिया था। अब वो जून वाला एग्जाम था वो भाई साहब हो गया कैंसल, क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आए, है ना जी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर एक नोटिस आया जिसमें यह कहा गया, कब ये नोटिस कब आया, अगस्त में आया, जून में आया, 28 जून को, और ये नोटिस आया कि आपका एग्जाम जो है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर तक होगा, है ना। और ये 4 सितंबर तक, अब फिर इसका ड्यूरेशन लगा लो कि आपका फॉर्म भरने का तो था ही, अब इसने कितना ड्यूरेशन दिया सर, आपका जून यानी जून लास्ट हो गया तो जुलाई अगस्त 2 महीना। तो पिछले दो बार से ऐसा हो रहा है कि एनटीए 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम फॉर्म भी भरवा ले रहा है और एग्जाम भी कंडक्ट करा ले रहा है। मतलब रिजल्ट तो लेट कर रहा है 1 महीना, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम तो हो जा रहा है। तो सोचो अभी कितने टाइम है आपके पास, अभी टाइम कितना है सर, अभी जो हमारा टाइम है वो हो रहा है अक्टूबर, है ना, अब आज 22 तारीख है, आखिर 21 तारीख है, 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख और 8 दिन इधर, और टोटल नवंबर, टोटल दिसंबर, भाई साहब 2 महीने प्रॉपर भी है इसके पास, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स अगर आपका दिसंबर जो एग्जाम है वो जाएगा तो वो कब जाएगा, वो जाएगा आपका मैक्सिमम जाएगा जनवरी। उम्मीद अगर एनटी अपने पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से चलता रहा तो आपका एग्जाम जो है वो जनवरी में होगा ही होगा। तो आप जो बच्चे फेलोशिप का इंतजार कर रहे हैं, चलिए इंतजार करिए, वेल गुड, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप जेआरएफ का भी तैयारी करते रहिए,
जेआरएफ की सारी कंटेंट जो आप पढ़ रहे थे उसको पढ़ना शुरू करिए। जिस बच्चे का नेट नहीं हुआ वो नेट की तैयारी शुरू करिए, जिस बच्चे का पीएचडी हुआ और एकदम नेट नहीं हुआ वो भी बच्चे नेट की तैयारी शुरू करिए। आपको मैं अब आता हूं तो आपके नोटिस पे, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, आइए मैं आपको अपने नोटिस पे लेके चलता हूं। नोटिस में क्या क्या चीजें हैं आइए देखिएगा। नोटिस आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, चलिए एक मिनट रुकिए मुझे अभी दिखेगी नोटिस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए नोटिस आ गया है ना, ये देखो नोटिस आ गया जी। जी अब ये नोटिस को ध्यान से देखिए, ये नोटिस कब की है, 27 मार्च, कब की, 27 मार्च 2024 की, ठीक है। ये नोटिस आया था पब्लिक नोटिस किस चीज के लिए, कि इसका तीन पार्ट में, तीन कैटेगरी में आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, हो गया जी। चलिए ये तीन कैटेगरी ये देख लीजिए, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, कौन से, पहला कैटेगरी, दूसरा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, और तीसरा था सिर्फ पीएचडी, ठीक है। चलिए अब ये जैसे ही आया उसके बाद आपका 20 अप्रैल को एक नोटिस आया, 20 अप्रैल को नोटिस आया जिसमें ये बताया गया कि आपका एग्जाम 16 जून को होगा, कब होगा, 16 जून को होगा, देख लीजिए आया ना जी। अब ये एग्जाम 16 जून के अलावा फिर इसके बाद एक नोटिस क्या आया, इसके बाद एक नोटिस आया नेक्स्ट कि भैया 31 मई को, कब आया नोटिस, 31 मई को नोटिस आया कि भैया अब आपका एग्जाम 16 को नहीं 18 जून को होगा, ठीक है, और पेपर पे पेन वाला मोड में होगा। इसके बाद ये एग्जाम हुआ भी और इसके बाद कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर री एग्जाम का डेट जो था वो आपका दिया, ये देखिए 28 जून को, ठीक है 28 जून को दिया, और उसके बाद फिर ये बोला 21 से 4 सितंबर तक एग्जाम भी ले लेंगे और सीबीटी मोड में लेंगे। तो दोनों एग्जाम जो है वो दो दो महीने के ड्यूरेशन में ये कंप्लीट कर चुका है। तो आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के फिर से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसका नहीं हुआ तो वो क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम, तो आप पढ़ाई शुरू करिए और सारा काम छोड़कर लगिए, क्योंकि दो महीना और पढ़ेंगे, क्योंकि आप ताजा हैं एकदम पढ़े हुए, तो दो महीना और लगेंगे ना, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लेंगे। जिसका जेआरएफ नहीं हुआ, जिसका नेट नहीं हुआ, वो जरूर लेके आएगा, ठीक है। तो बात मानिए और शुरुआत करिए, मैं तो कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूं, है ना। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी सारे कंटेंट अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है जी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।